अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो भी हमारी रेसिपी है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा यहाँ पर देखे हुए बर्गर और बन देख कर कि हम लोग क्या बना रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है शामी एग बर्गर, ठीक है। और हमसे रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें ये रेसिपी सिखाई जाए, क्योंकि अब जैसे जैसे रमज़ान आ रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें, मतलब वैरायटी थोड़ी सी डिफरेंट की जाए, तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, हमसे रिक्वेस्ट भी की गई है और रमज़ान भी है तो ये टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा और फ्लेवर भी, और बहुत ही ईजी है, मतलब रेदर देन क्या बाज़ार से मंगवाएं, अब घर में इसको ईजिली बना सकते हैं। अब ये जानते हैं मम्मा से कि ये मज़ेदार से जो उनसे शामी और एग बर्गर जो सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं, छोटे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं, ये कैसे बनेंगे। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब वाले बर्गर, अंडे वाले। तो मैंने ये सलाद काट ली है, प्याज टमाटर, ये अंडे हैं, एक अंडा है, ये इधर एक अंडा मैंने फेंट लिया, ठीक है। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, ये बर्गर है। अब मैं सेक रही हूँ शामी कबाब, तल लिए मैंने, आपको दिखाती हैं। ये केचप डालनी है, तो बहुत ही इजी है। तो हमने यहाँ पे बच्चों को लंच में या कोई मेहमान भी आ जाए तो वो बना सकते हैं आप। हाँ, शामी कबाब आप लोग बना के प्रिजर्व कर लें, उसको फ्रीज़र में फ्रीज कर लें, और मतलब जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसको निकाल कर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और ऐसे इजी से मतलब इवनिंग में बनाएं, बच्चों के लंच में आप उनको दे सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और मतलब एक हेल्दी सी चीज़ ज़्यादा दिन के उसको बाज़ार से लें और वो अनहेल्दी हो, किस तरह बनी हुई है, और हमें अपनी हेल्थ केयर से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, जो मुल्क के हालात है कोरोना। हाँ, इस पर खाने पीने के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करना ज़रूरी है। आप बनाएं तो आप घर में ही चीज़ें बनाएं, तो ये कोई मसला नहीं कि आप घर में नहीं बना सकते। अब कुकिंग विद नाज़नीन आप लोगों का चैनल है, इसी पे हम सब कुछ आपको आसानी बनाना सिखा देते हैं। तो आप लोगों ने व्यूअर्स टेंशन बिल्कुल ही लेनी, हमारी बस वीडियो को देखना है और बना के अपनी रेसिपी को अपने घर वालों से ज़्यादा वसूल करनी है। तो चलते हैं चूल्हे की साइड पर, आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो से आज हम शामी और एग बर्गर तैयार कर रहे हैं वो कैसे तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम को बचाते हुए शामी कबाब हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही फ्राई करके रख लिए हैं, तो उनको अब फ्राई करने के बाद यहाँ पर जो बन है उनको मम्मा हल्का सा मतलब इसको घी के साथ लगा कर इसको थोड़ा सा सेक दिलवाएंगे, जिस तरह मतलब बाज़ार वाले आप लोगों ने देखा है कि जब हम लोग बाज़ार से लेने जाते हैं तो वो लोग भी ऐसे। तो उसके बाद हम लोग इसको अपनी रेसिपी को, इसके बाद शामी कबाब रखेंगे, एग को फ्राई करेंगे। असल में ये ठंडे होते हैं ना, तो फिर वो ज़रा गर्म हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं ना इसे। हाँ जी, इसलिए भी गर्म कर लेते हैं ना इसे। अब हम लोग इसके ऊपर शामी कबाब रखकर फिर अपने जोन से बाकी हैं बर्गर उनको हम तैयार कर लेंगे। ये भी सेक लेते हैं ना, ये गरम कर लेते हैं। तो आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। ये कबाब ने इसके ऊपर ऐसे रख दिया ना हमने, ये देखें, हाँ जी, ये अंडा मैंने डाल दिया। तो क्योंकि हमारी आज की जो सी बर्गर की रेसिपी है वो है एग और शामी बर्गर, तो शामी जो हम लोगों ने आपके सामने पहले रख दी बर्गर के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग जो सा है एग उसको हम लोग बना लेंगे। तो इसके अंदर हम लोगों ने ब्लैक पेपर शामिल किया, जैसे कि मम्मा ने आपको वीडियो के शुरू में बताया, तो थोड़ा सा इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा और ज़रा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। हाँ जी, ये अच्छी तरह ना हमारा अंडा भी हो गया, अब मैं ना बर्गर पर लगाती हूँ। खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है ये एग फ्राई होने की। तो अब हम लोगों ने इस एग को जो सा है वो शामी कबाब वाले बर्गर उनके ऊपर, और सिंपली हम लोगों ने इसके ऊपर प्याज और टमाटर डाले हैं, और उसके ऊपर केचप स्प्रेड करके हम लोगों की झटपट ये जो बर्गर है ये तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नए आए तो जल्दी से कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको घर बैठे ही अब मज़े मज़े की जो सी डिशेज हैं उनकी रेसिपीज मिलती रहे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको फीसें भारी भारी फीसें भर के कुकिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब आसानी अब घर में फ्री ऑफ कॉस्ट कुकिंग सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये टमाटर भी रख दिया है, और इसके बाद हम लोग प्याज रखेंगे, देखें कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है।
आप अगर चाहें तो इसके अंदर सलाद के पत्ते भी रख सकते हैं। हाँ जी, तो मतलब अगर प्याज आप लोगों ने ज़्यादा करने हैं शामिल या टमाटर वगैरह तो वो भी डाल सकते हैं। ये ना कोई पसंद करता है। हाँ जी, ये केचप भी मैंने डाल दिया है, वो अपनी मर्ज़ी से भी आप ज़्यादा कम केचप डाल सकते हैं, कोई पसंद करता है कोई नहीं करता, अगर नहीं करता तो ना डालें आप केचप। ये देखिए माशाल्लाह, तो बच्चों को तो पसंद होती है टमाटो केचप, तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी हाइट से भी आ गई है। और ये ले जी दूसरा जो हमने इसके ऊपर वाला बन है वो भी इसके ऊपर रख दिया है। तो मुझे आप बेटा काट के दिखाएं, आप बर्गर हमारा ही तैयार हो गया है शामी कबाब और अंडे वाला, जिसको एक को हम सेंटर से काट के आपको दिखा देते हैं किसके अंदर से लुक कैसा लग रहा है। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी है शामी कबाब और अंडे वाला बर्गर आपके सामने हम लोगों ने इसको तैयार किया है। तो ये देखिए जी इसका फाइनल लुक। इसकी अगर आप चाहें तो इसके अंदर मतलब बॉयल एग भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एग की रेसिपी है शामी कबाब और एग वाले बर्गर थे। तो आप लोग इसकी ये लेयर देख सकते हैं, मतलब देखें हर चीज़ बआसानी आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर शामी कबाब भी है, अंडा भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, केचप भी है, और ये मज़ेदार सा यमी सा टेस्टी सा लुक दे रहा है, इसकी वजह से मेरे मुँह में पानी आ रहा है। यकीनन आप लोगों को भी देख कर अच्छा लग रहा हो और आप लोगों का दिल भी कर रहा होगा जल्दी से हम लोग इसको खा लें, लेकिन बनाकर तो इसको जल्दी से व्यूअर्स बनाएं और हमें अपनी फीडबैक दें कि मज़ेदार सी जोन से आज हमने आपके साथ बर्गर की रेसिपी शेयर की है, ये आपको कैसी लगती है। तो व्यूअर्स अब आप लोग मुझसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।